हेलो एवरीवन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा से शहरी आशा कार्यकर्ता के लिए विज्ञापन जारी हुआ है 17 अक्टूबर 2023 को। कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। आयु जो है यहाँ पर 20 से 45 वर्ष तक रखी गई है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरीके का जो है एप्लीकेशन फॉर्म है शहरी आशा चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। बहुत ही सिंपल है, साधारण है, और आप लोगों को जो है इसे फिल करके और दिए गए एड्रेस पर जो है वो भेजना है। अब चलिए नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। गोंडा से ये वैकेंसी है, 17 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया है। कुल जो पदों की संख्या है यहाँ पर 10 है, ठीक है। कुल पदों की संख्या कितनी है, 10 है। और अंतिम जो डेट है वो यहाँ पर दिखाई गई है, 2 नवंबर 2023 को 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद गोंडा में आवेदन पत्र जो है वो स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद जो है वो आप लोगों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी लास्ट डेट जो है वो 2 नवंबर 2023 5 बजे शाम तक रहने वाली है। आवेदन को जो है आप लोग पंजीकृत डाक, रजिस्टर डाक से या स्पीड पोस्ट से जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो है कुल पदों की संख्या 10 है। तो आवेदन करने के लिए जो है क्या नियम और शर्तें हैं, सबसे पहले आप देखें। ये जो है शहरी आशा कार्यकर्ता के पद हैं। तो यहाँ पर आवेदनकर्ता महिला की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कम से कम जो है वो हाई स्कूल उत्तीर्ण होनी चाहिए। यहाँ पर जो है मार्क्स के बेस पर और साक्षात्कार के द्वारा आप लोगों का सिलेक्शन रहेगा। यानी आप लोगों के पास अगर आपने इंटर किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन आपने गेन की है वो सब जो है आप लोग आवेदन में लगाएंगे। आवेदनकर्ता महिला संबंधित वार्ड की जो है निवासी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जिस वार्ड से वैकेंसी आई है उसी वार्ड की जो है निवासी होनी चाहिए। जैसे वार्ड या मोहल्ले का नाम जो है यहाँ पर दिया है, वार्ड संख्या 5 मकारथीगंज, वार्ड संख्या 10 शास्त्री नगर तोपखाना, ठीक है, महाराजगंज, पटेल नगर, आवास विकास जिगरगंज, सुभाष नगर, राजेंद्र नगर, इसी वार्ड या मोहल्ले की जो है होनी चाहिए वो महिला। केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं। उम्र जो है यहाँ 20 से 45 वर्ष तक जो है यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्याग की गई महिला जो है इनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों का जो चयन होगा, तो यहाँ लिखा है कि उच्च शैक्षिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के आधार पर अधिकतम अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग्य के श्रेष्ठ अंकों के आधार पर किया जाएगा। आपकी जो क्वालिफिकेशन है और अगर आपने पहले भी कभी जो है यहाँ काम किया है तो उस एक्सपीरियंस के जितने भी अधिकतम अंक होंगे और उसके बाद जो है इंटरव्यू रहेगा, तो इसके आधार पर सिलेक्शन रहेगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ 7 नंबर पर लिखा है कि शहरी आशा का कोई मासिक मानदेय निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य द्वारा प्रस्तावित दिशा निर्देशों द्वारा उनके प्रारंभिक प्रशिक्षणों उपरांत किए गए कार्यों और सत्यापन के आधार पर उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी जैसा जो है वर्क होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है सैलरी डिसाइड होगी। आवेदकों को साक्षात्कार हेतु तिथि अलग से घोषित की जाएगी। तो ये आवेदन प्रपत्र और नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इस ये जो लिंक है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग इसको ओपन करें। नोटिफिकेशन भी आपके सामने होगा और एप्लीकेशन फॉर्मेट भी, ठीक है, तो इस पर ही आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आवेदन पत्र में आप लोग क्या क्या सूचनाएं जो है अंकित करेंगे, तो वार्ड संख्या, वार्ड का नाम, आवेदनकर्ता महिला, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदनकर्ता महिला का नाम, पिता या पति का नाम, वैवाहिक स्थिति का विवरण, जन्म तिथि, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर जाति, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता, अगर अनुभव है तो आप कर देना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दिनांक व स्थान और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, कुल जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनकी कितनी संख्या है, ये सब आप लोगों को आवेदन प्रपत्र में जो है लिखना होगा, ठीक है। तो एड्रेस जो है वो क्या रहेगा, तो एड्रेस यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखाई देगा, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो चलिए, और भी जो है कहीं की अगर वैकेंसी आती है किसी भी राज्य के किसी भी जिले की, बिल्कुल आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं चैनल पर। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो समय पर सूचना आप लोगों को मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।